लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट अपने इलाके में पानी की समस्या से लोगों को निजात दिलवाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने चुनाव आचार संहिता से पहले शहरी क्षेत्र में शामिल अमृत पेयजल योजना के लिए शिलान्यास और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अनुसार लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने आचार संहिता लगने से पूर्व ताबड़तोड़ कई योजना का लोकार्पण व शिलान्यास किया। शहरी क्षेत्र में शामिल अमृत पेयजल योजना के अंतर्गत वार्ड नंबर 1 में 12,60,00,000 की लागत से 3 ट्यूबवेल, उच्च जलाशय और पाइपलाइन योजना का शिलान्यास किया। वहीं राज्य सेक्टर कार्यक्रम के तहत लाइन पार संजय नगर क्षेत्र में करीब 10,00,00,000 की लागत से 2 ट्यूबवेल, उच्च जलाशय और पाइपलाइन का भूमि पूजन विधिवत रूप से किया गया। पेयजल योजना का निर्माण कार्य 18 महीने में पूर्ण होने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे 30,000 की आबादी वाला क्षेत्र लाभान्वित होगा। इनका भूमि पूजन का प्रोग्राम है, एक्चुअली शिलान्यास तो माननीय मंत्री जी के द्वारा किया जा चुका है इनका। तो आज हमने योजनाओं में, चूंकि कार्य आरंभ का हमारा वो था जो हमें शुरू करना था, तो आज दोनों योजनाओं में हमारा कार्य शुरू हो गया है। तो यही माननीय विधायक जी के द्वारा इसमें कार्यक्रम की नींव रखी गई है। तो इस योजना के अंतर्गत हमारा जो नगरीय क्षेत्र है उधर का, उसमें तो हमारा अमृत 2 के अंदर योजना काम चल रहा है। ये वाला क्षेत्र हमारा राज्य सेक्टर में हमारी योजना स्वीकृत हुई है, इसमें हमारे एक बड़ा टैंक बनेगा 900 किलोमीटर का और 2 नलकूप बनेंगे और 5.5 किलोमीटर के करीब लाइन पड़ेगी। तो ये कार्य हमारा लगभग 18 माह में हमने इसको पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है और हम इसको अगले वर्ष में जल्दी से जल्दी पूर्ण करके इसको जनता को समर्पित करेंगे। वाली की बात कर रहा हूँ मैं, इसी को हम अगले वर्ष में हमारा लगभग जून जुलाई तक हम इसको पूरा करेंगे। पार की हमारी योजना लगभग 10,00,00,000 की है और लालकुआ नगर के लिए अमृत में हमारी योजना सेंक्शन हुई है वो लगभग 12.5 करोड़ की, 12,60,00,000 रुपए की है। और इन दोनों योजनाओं से लगभग 30,00,000 की आबादी, 30,000 की आबादी, और जो कि अगले 30 वर्षों की योजना को ध्यान में रखते हुए, अगले 30 वर्ष में जितने लोग यहाँ पर बढ़ेंगे उनको ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। लंबे समय तक इस क्षेत्र में जो है पेयजल की आपूर्ति के लिए इस योजना को ध्यान में रख के बनाया गया है और मुझे उम्मीद है कि पूरे क्षेत्र में जो आज दूषित पानी से और यहाँ पर जो आसपास के जो स्थानीय उद्योग है उनकी वजह से जो प्रदूषण से, जो पानी प्रदूषित पानी पीने से लोगों को जो दिक्कत हो रही थी, उससे बड़ी संख्या में निजात मिलेगी और हमारे लोगों को जो तमाम तरह की बीमारियां लगती थी उनसे मुक्ति मिलेगी। सब लोगों की प्रेरणा से ही हुआ है, लोगों की और हमारे अधिकारियों के लगातार प्रयास करने पर, उनकी मेहनत से हुआ है। क्षेत्रवासियों का लगातार सहयोग मुझे मिलता रहा है और उनके लिए कार्य करना मेरी प्राथमिकता है। तो जो भी इस तरह के सार्वजनिक कार्य हैं उनको हमने अपनी टॉप प्रायोरिटी पर रखा हुआ है। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और पानी, इनके लिए हम लोग बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। शौचालय को भी उसी श्रेणी में हमने रखा है कि इनको सबसे पहले इन कार्यों को कर लोगों को तुरंत राहत देना है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।